ईवी न्यूज हिंदी पर आपका स्वागत है। आज का पहला खबर यह है कि ट्रिटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेलंगाना में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने का तैयारी कर रहा है और इसके लिए ट्रिटन ने लगभग 2000 करोड़ तक इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है। ट्रिटन का यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेलंगाना के जहीराबाद में हो सकता है और इसके लिए ट्रिटन ने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से एक मेमोरेंडम भी साइन कर चुका है। इस प्लांट से ट्रिटन इलेक्ट्रिक कार्स, ट्रक्स, ई रिक्शा जैसे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर सकता है और कंस्ट्रक्शन के बाद ये प्लांट लगभग 25,000 जॉब्स दे सकता है। दूसरी खबर ये है कि बजाज ने एक टू व्हीलर का ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है और ये ट्रेडमार्क फ्री राइडर नाम के लिए हो सकता है। अभी ये टू व्हीलर बजाज से चेतक के बाद आने वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो सकता है। जैसे ही चेतक के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर प्लेटफॉर्म को KTM और हस्क्वर्ना शेयर करने का तैयारी कर रहा है, वैसे ही ये टू व्हीलर भी आने वाले हस्क्वर्ना और KTM के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म से सिमिलर हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है तो मार्केट में आने के बाद ये रिवोल्ट के जैसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को कम्पीट कर सकता है। तीसरी खबर ये है कि स्कोडा 2030 से पहले 3 इलेक्ट्रिक कार्स को डेवलप करने का तैयारी कर रहा है। स्कोडा से आने वाले ये 3 इलेक्ट्रिक कार्स स्कोडा एनयाक से कम हो सकता है। स्कोडा इस इलेक्ट्रिक कार से यूरोप के इलेक्ट्रिक कार मार्केट में 50-70% तक शेयर लेने का तैयारी कर रहा है और स्कोडा ने उसके ब्रांड को इंडिया, रशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में ज्यादा तक फोकस करने का तैयारी कर रहा है और ये पूरे दुनिया में लगभग 1.5 मिलियन व्हीकल्स को आने वाले दिन में सेल करने का तैयारी कर रहा है। आखिरी खबर ये है कि अल्स्टॉम ट्रेन कंपनी जो ट्रेन्स पर काम करता है, वो कंपनी अभी पोलैंड में एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन को डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये ट्रेन में 300 पैसेंजर्स के लिए बैठने का जगह मिलता है और इस ट्रेन में होने वाले फ्यूल सेल 1000 किलोमीटर तक रेंज दे सकता है। इस ट्रेन का नाम है कोराडिया आइलैंड और ये ट्रेन यूरोप के नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक्स पर चलाने के लिए बनाया गया है। यूरोप में ज्यादातर रेलवे नेटवर्क हाई स्पीड रेलवे के लिए बनाया गया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 46% रेलवे नेटवर्क अब तक इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुआ है और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ट्रेन उस नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक पर चल सकता है। आगे भी ऐसे खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।